परमजीत मलिक साहब, जी 2014 का क्या वाकया है जो जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट 2014 के वक्त से ही चल रहा है WFI के अंदर? देखिए, 2014 में गीता फोगाट के नीक में चोट लगी थी, तो उनको सर्जरी कराने के बाद जो पोस्ट थेरेपी होती है स्ट्रेंथनिंग के लिए या जो मोबिलाइज के लिए, वो मुझे अपने साथ लेके गई थी लखनऊ, जो साई का सेंटर है जहाँ वुमेन्स का रेसलिंग का हमारा जो नेशनल कैंप लगते हैं आज तक वहीं लग रहे हैं। तो वहां मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको जो भी हमारा ट्रीटमेंट था, मोड ऑफ जो था, वो उनको कराया। तो वहां के जो चीफ कोच थे और फेडरेशन के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आप गीता को तो करा ही रहे हो, हमारी टीम को फायदा हो जाएगा, तो आप, हम आपको मर्ज कर देते हैं, हम आपको अपना ऑफिशियल फिजियो रख लेते हैं टीम का। आधिकारिक जो टीम थी फिजियोस की, उसमें शामिल हो गए? जी। तो उसके बाद फिर मैं वहां रहा, मैंने देखा वो एटमोसफेयर की, ऐसे उन्होंने इस तरह का क्रिएट किया हुआ था बच्चों पे मानसिक दबाव, और उनको कि आपसे कैंप से बाहर निकाल देंगे, आपको जो नॉन फिटनेस का हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप अनफिट हो कुश्ती के लिए, आप डिसिप्लिन में नहीं हो। इवन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को भी फोन किया जाता था कि आपके बच्चे ठीक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के, जबकि वो ठीक कर रहे थे, किसी तरह उनको मेंटली टॉर्चर करके अपने काबू में लाया जाए। और वहाँ धीरेन करके एक वो था जो वहाँ उस टाइम साई में अपॉइंट थे शायद, उन्होंने वो रेसलिंग टीम का के फिजियो भी थे, और वो मतलब उनके मेन आदमी थे ब्रिजभूषण के, वो ही सब कंडक्ट करते थे, कोचों के भी ऊपर वो थे सब कुछ। तो उसमें होता क्या, जैसे कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो उसको कैंप से बाहर निकाल दिया जाता है कि आप अनफिट हो, अपने घर जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो, फिर वापस आ जाइए। कैंप से बाहर का मतलब तो आप गेम से बाहर हो गए, आप एबल नहीं हो कि आप ट्रायल देश को या सर्वाइव कर सको। तो जिन बच्चों को छोटी सी भी चोट होती थी तो वो डरते थे बताने से, तो जानबूझ के बच्चों को ये दिखा के कि आपको चोट लगी हम कैंप से बाहर निकाल देंगे बिना उनका कोई फिटनेस टेस्ट लिए, मतलब दबाव बनाते थे ताकि वो उनके अंडर में आ जाए, उनके पैरों में आ जाए। फिर दूसरा उनको बोला जाता था कि हम आपको नेताजी ब्रिजभूषण से मिला देंगे, आपको बेशक से चोट लग जाए मैं आपको उनके घर लेके चलूंगा, जो धीरेन उनके एक पर्सनल आदमी थे, और कुछ दो तीन वहां लड़कियां भी रहती थी नेशनल में जो अनऑफिशियल थी, वो बच्चों को बहका फुसलाकर वहां ले जाते थे, अंडर वहीं लेके जाते थे। अब मुझे पर्टिकुलर जगह का नहीं पता, लेकिन ब्रिजभूषण के पास लेके जाते थे, तो मुझे ये सारी बातों का पता लगा। मैंने उस टाइम जो वहां पर जो चीफ कोच थे उनको भी बोला, और जो सबसे सीनियर मोस्ट कोच थे कमल सेन, उनको मैंने रिटर्न में भी दिया, उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में दो। साई के जो वहां पर डायरेक्टर थे उनको भी मैंने बोला। फिर रिटर्न कंप्लेंट किस बारे में था, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट का इशू था, उसमें क्या था? इसी बारे में था कि लड़कियों को यहाँ पर डराया जा रहा है, बैकअप फुसला के उनको इस तरह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ताकि इनकी काबू में आए और सेक्सुअली वो अपने आप को इनके आगे मतलब सरेंडर कर दे। मेरी लड़कियों से भी बात हुई, वो सब डरी हुई थी सब कुछ। तो उसके बाद फिर मैं, कितने वुमेन रेसलर्स थे 2014 का जो आप टाइम बता रहे हैं जिन्होंने अप्रोच किया था, जिनसे आपकी बात हुई थी? चार पांच ऐसी लड़कियां थी 2014 में, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कही जी, उन्होंने बात की कि हमें मतलब हमारे साथ इस तरह हो रहा है। फिर मैंने वो मीडिया को भी बुलाया था 2014 में प्रॉपर, जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो टीवी अखबार वाले लोग थे वहाँ एक इवेंट हुआ था वो आ गए थे, तो मैंने सबके सामने बोला था कि ये गलत हो रहा है यहाँ पर, इस तरह का हो रहा है। तो मेरी वाइफ भी उस टाइम जो वहां पर मेंबर थी टीम की, गोल्ड मेडलिस्ट थी नेशनल की, कैंप में रह रही थी, उनको और मुझे अगले ही दिन बिना कोई कारण बताए, बिना कोई रिटर्न में नोटिस दिए, हमें कैंप से बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपकी वाइफ? सुमन कुंडू मेरी वाइफ का नाम है। आप कह रहे हैं आपने जब रिटर्न कंप्लेंट दी तो उसके अगले ही दिन आपको साई के कैंप से? मैंने मीडिया में दिया, मीडिया में जब मैंने दिया अगले ही दिन जो चीफ कोच थे वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि आपका कैंप से नाम काट दिया गया, आप दोनों यहाँ से चले जाइए। तो मैंने काफी कोशिश की, वहाँ कोचिस से बात की, साई वालों से भी बात की, तो किसी रिटर्न कंप्लेंट पे क्या एक्शन हुआ, कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, रिटर्न में मेरे कोई एक्शन नहीं हुआ, उन्होंने आगे दी या नहीं दी उसका बात नहीं पता, लेकिन जब मैंने मीडिया में दिया तो अगले ही दिन हमें वहां से आउट कर दिया गया। तो आपने क्या इसको फिर किसी और पब्लिक फोरम पे इस मसले को उठाने की कोशिश की? नहीं, देखिए अभी पिछले 3-4-5 महीने से इतना पब्लिकली उछल रहा है, आप सब मीडिया में भी आ रहा है, इसमें मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, अभी नहीं कुछ हो पा रहा है तो सोचिए तब क्या हुआ होगा। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, हमें, मेरा तो चलो मैं तो फ्रीलांसर था, अपना काम कर रहा था, मेरी वाइफ उस टाइम फॉर्म में थी,
और वो इंडिया की अपनी वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनका भी कैरियर खराब कर दिया गया उनके बाद, उनको भी वहां से भेज दिया गया मेरी आवाज उठाने पे। और आप देखिए, कई लोग क्वेश्चन करते हैं आप जैसे लोग की, तब ऐसा क्यों नहीं बोला किसी ने, अब पिछले 2-4-6 महीने से सब इतना बोल रहे हैं, अभी नहीं कुछ हो पा रहा है, तो आप सोचिए तब क्या हुआ। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जो आप इशू रेज कर रहे हैं WFI प्रेसिडेंट के खिलाफ, वो क्यों कार्रवाई नहीं हो? देखिए, कहीं ना कहीं वो इतने स्ट्रोंग हैं, बाहुबली हैं, और गवर्नमेंट का भी उनको सपोर्ट है। आप देखिए, ये जो रेसलर यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई छोटे मोटे बच्चे तो है नहीं, ओलंपियन है, देश वर्ल्ड चैंपियन है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। ये लोग ही नहीं सरवाइव कर पा रहे, तो मेरे जैसे आदमी बताओ, मेरी कौन वहां बात सुनेगा, सुनी ही नहीं किसी ने। और अब मीडिया है हमारे साथ है, सब है, सरकार है, सब कुछ है, FIR भी दर्ज नहीं हो पा रही है, तो दुर्भाग्य है देश का। ऐसे आप आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा? आप कहते हैं कि लोकतंत्र है, जनतंत्र है, कहाँ का जनतंत्र है? 6 महीने से बच्चे भटक रहे हैं, कभी ये कमेटी बना देते हैं कि हमने आपकी कमेटी, मैं भी कमेटी में, मेरे भी बयान थे, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, हमने सब रिटर्न में भी दिया था जी। उन्होंने बोला था हम पब्लिकली आपका जो बयान है इसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी लेके जाएंगे, और ये आपकी जो वीडियो बना रहे हैं हम पब्लिकली भी इसको हम वो करेंगे, लेकिन हमें आज तक ना कभी बताया गया कि कुछ पब्लिकली किया है, लीगली किया है, कुछ किया नहीं किया है। और बताया जा रहा है, हमारे कहीं से बातें लग रही है कि हमने जो बोला है वो तो हमारी आगे बात पहुंचा ही नहीं है, बातों को तोड़ मरोड़ के उनको पेश किया गया है। जैसे 2016 की साक्षी ने बात बताई थी कि वो 2016 में क्वालिफाई के लिए जा रही थी, उसको भी हरेस किया उन्होंने, उसको जानबूझ के 2015 कर दिया कि आप तो थे ही नहीं 15 में, तो गीता गई थी, जबकि उसने बात 16 की बताई है। हमारी बातों को भी तोड़ मरोड़ के आगे पेश किया जा रहा है।